फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रही हैं सुबह की लगभग 9:30 और मैं उठ तो कब से ही गई हूँ। मेरे पूजा वगैरह सब हो गई है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कंप्लीट कर दिया है और अभी मुझे पता चला कि घर पे आने वाले हैं गेस्ट, तो आज बनेगी लड्डू बाटी। तो जल्दी से लड्डू बाटी की कर देती हूँ तैयारियाँ। और कपड़े आज 3 दिन के आज समेटे हैं, यानी थोड़े थोड़े समेट रही थी पर सूख नहीं पा रहे थे कपड़े। आज सुबह सुबह थोड़ी अच्छी तेज़ कड़क धूप आ गई तो सारे कपड़े सूख गए। और मैंने कल क्या किया था, मैं शॉप पे गई थी तो पंखे दोनों तरफ चालू रख के गई थी तो कपड़े सूख जाएँ, उसकी वजह से भी कपड़े सूख गए। तो कपड़े सूख गए हैं, कपड़े समेट लिए गए हैं, अब करते हैं लड्डू बाटी की तैयारियाँ। तो जो लड्डू और बाटी में यूज़ होता है थोड़ा सा मोटा आटा, वो अभी पिसा हुआ नहीं है तो अभी फटाफट से मैं वो मोटा आटा पीसने के लिए रख देती हूँ। तब तक रूम अरेंज कर दूँगी, आटा पिसाएगा और दाल भी गला के रख देती हूँ। अभी आ गई मंदिर से और मंदिर से आके ही खाने की तैयारियों में लग गई हूँ। तो खाने में बना रही हूँ मैं भिंडी दाल रोटी सब्ज़ी, क्योंकि लड्डू बाटी तो मना बोला इसलिए। तो अपन को जो ऑर्डर मिल गया वो बना देते हैं। एकदम राइट टाइम पे मैं किचन में गई क्योंकि मैं भर रही थी मटकी में पानी, तो मैं चालू करके आ गई थी पानल तो भर गया, मुझे पता चल गया आवाज़ से। बाकी गई, बंद कर दिया। खाना वगैरह सब बन गया है और मैं जा रही हूँ अभी शॉप पर। मेरे खाना बाकी है क्योंकि क्लाइंट आ गए, तो चलिए एक बार चले जाते हैं शॉप पर क्योंकि थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए। जू को फ़ोन कर दिया। आज मैं सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी थी, मैंने कोई कुछ भी व्लॉग में मैं शूट नहीं कर पाई। अभी हालाँकि मैं करवाऊँगी मेरे हेयर में ऑयलिंग और मेरे वैक्सिंग, हाथों में नहीं अंडरआर्म्स में मेरे वैक्स करनी है तो वो मैं करवा दूँगी। और हाँ, आज घर पे आए थे गेस्ट और मैं भी गई थी कुछ फंक्शन में, तो आज वहाँ पर खाई है मैंने दाल बाटी तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। और शॉप पे भी मैं काफ़ी बिजी थी, फटाफट से टाइम निकाल के गई थी थोड़ा सा। और आज सुबह का मैंने खाना खाया है 4:30 बजे, इतनी अच्छी बात है। और शाम का तो मुझे खाना ही नहीं पड़ेगा, फिर सुबह का ही 4:30 बजे खाए। तो अभी ये सब करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ हेयर ऑयलिंग करने के टाइम पर। तो अभी मैंने हेयर ऑयलिंग की है मेरी कैंसल और यहाँ पर होगा अब चिकू के बालों का ट्रीटमेंट, यानी प्रोटीन इनके बालों को देंगे। इनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं इसलिए हम ये वाला ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल नहीं है, लीस प्रो कैरेटीन है, तो इसको हम चिकू के हेयर्स पर अच्छे से वर्क करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले कर देते हैं इनके बालों को वॉश, तो चलिए। तो अभी हो रहा है चिकू के हेयर वॉश, वो भी लीस शैम्पू से। एक बार बालों को कर देती हूँ मैं अच्छे से वेट, पीछे आ जाएगी। बालों को वेट कर दिया है और ये हमने शैम्पू लिया और अच्छे से हाथों में रब कर दिया। मैं ऐसे सक रहा, मेरे का बाल कर ही निकल रहे। ऑयलिंग की थी क्या आज? हाँ, क्या डाल था? वही बॉम्बे शाइन का कैस्टर ऑयल, मस्त रहते उससे बाल जमे हुए रहते हैं, मस्त जमे हुए रहना और अच्छे रहना काफी फर्क है। नहीं, अच्छे भी रहते हैं, बालों से पूरी तरीके से गंदगी निकाल देंगे। चलो आपके बालों के लिए कोई कहता तो मॉप कट करो, आपके बाल लंबे करो। अरे भूल गया मैं टॉवल लाना। मैं टॉवल लेके आती हूँ, टॉवल भूल चुके हैं इसलिए। हमने पावर मिक्स के दोनों प्रोडक्ट मिक्स कर दिए हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एक है बेस और एक है पावर मिक्स का, लीज का पावर मिक्स। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड करके इसको क्रीम फॉर्म में ले आई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में था। और अभी बालों को वेट ही रहने देंगे और साथ में काम स्टार्ट कर देंगे। चिकू के हो गया है लीस पावर मिक्स ट्रीटमेंट और काफी अच्छे लग रहे हैं बाल। क्या मस्त सॉफ्ट हो गए, बताओ कैसे हो गए? नहीं, मस्त हो गए, हो गए ना, थोड़े से लाइटली स्ट्रेट भी हुए ऐसा लग रहा है, एकदम लाइट। नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे भी। हाँ, इधर सही वाला ज्यादा सही है। हाँ, तो इधर ही रखो ना। तो ये हमारा लास्ट लुक,
क्या शानदार लग रहे बाल, और क्या बालों में बाउंस आ रहा है, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, बहुत ही अच्छा। लीस का भी रिजल्ट हमको काफ़ी अच्छा लगा। पकड़ो सीरम है हैंड में। अभी बज रही है 9:30। चिकू का काम करते करते कब कस्टमर पीछे बैक टू बैक आ गए पता ही नहीं चला। 9:30 हो गई है, अब जाऊँगी घर पर। और हालांकि मैंने लेट ही खाना खाया, पर कुछ थोड़ा बहुत तो खा लूँगी, नहीं तो भूखी रहूँगी तो नींद नहीं आएगी, इसलिए तो चलिए चलते हैं घर पर। अभी हो गई है शॉप मंगल और जा रहे हैं हम घर पर, और डॉगी हमको देख रहा है, तो ये चले जाते हैं अब घर पे, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। घर आ चुके हैं और अभी बज रही है 10, क्योंकि हम एक पार्सल भी डिलीवर करने के लिए गए थे कस्टमर को। सो पूरा इधर उधर करके पूरा राउंड फिगर 10 बज गई है लगभग, और 9:30 बजे घर से शॉप से निकले थे। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज मुझे काम थोड़ा था ज़्यादा, और सब यानी बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। चिकू के भी आज बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट किया है, वो भी चिकू के भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चिकू कंप्लीट फेस होम केयर भी लेके आए, लीस का तीनों चीज़ें लेके आए, शैम्पू मास्क एंड सीरम, तो ज़रूरी है सीरम, तीनों चीज़ें अब लेके आएँ, क्योंकि चिकू को यानी एकदम थोड़ी सी स्मूथनिंग नहीं चाहिए उनको, स्ट्रेटनिंग भी नहीं चाहिए, बस उनको लाइटली वेवी एंड अच्छे बाल चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ ये सब चीज़ें प्रोटीन देने से भी हो सकती है, क्यों ना। तो अब बालों को हर मंथ चिकू ने भी डिसाइड कर लिया है कि अब मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट हर मंथ करवाऊँगा, तो उससे बेटर ही रहेगा। तो चलो ये भी काम सही हुआ, अपना एक परमानेंट कस्टमर हो गया, अपना ही इंसान, और काम भी आएगा ना साथ साथ में। तो चलो अब इसी के साथ कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड, और कुछ खा भी लूँगी और थक भी गई इसलिए जल्दी कर देती हूँ। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब का भी बटन दब जाना चाहिए अगर नहीं दबा रखा है, और बेल आइकन भी दबा देना, रोज़ के रोज़ ब्लॉग्स मिलेंगे मज़ेदार वाले। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में, और शॉप करो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, कर देना डाउनलोड और वहाँ से कर दो शॉपिंग स्टार्ट। बाय।